शनिदेव। शनिदेव का नाम आते ही शरीर में एक सिरहन सी नहीं दौड़ जाती, पसीना नहीं आ जाता, कुछ ऐसा नहीं लगता कि ओह अब क्या होगा, ना जाने कौन कौन सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें आपको तब पता लगती हैं जब आपको कुंडली में आपको पता लगता है कि शनि के ढाई साल यानी ढैया यानी पनौती या साढ़े साती आने वाली है। आपको विद्वान ज्योतिषी बताते हैं कि अब आप सजग हो जाइए, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, या कोई भी ऐसी बात होती है कि एकदम परेशानी आ जाती है। ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए, क्या शनिदेव से डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, अपना आचरण कैसे रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों को मैं एक मिनट में नहीं बता सकूंगा। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो YouTube पर देखनी पड़ेगी, मेरे चैनल एस्ट्रो केबल पर। अब बात आती है शनि की साढ़े साती की, शनि की ढैया भी समझ लीजिए। आपको बहुत डर लगता है इसे, अमूमन सभी को डर लगता है और हर कोई ऐसा चाहता है कि काश ऐसा ना हो, पर इसने तो आना है। और अगर आपने पूरा जीवन जीना है, मान लिया 60-70 साल, तो तीन बारी तो इसने आना ही है, और ढाई ढाई साल के पीरियड्स भी बीच में आएंगे। अभी इसमें एक चीज़ और भी है, कंटक्शन ही भी होता है। अब ये सारी चीज़ें आपको तो परेशान करने वाली है ना, पर क्यों होते हो परेशान आप? मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना भय इतनी परेशानी किस लिए है। क्या शनिदेव इतने क्रूर हैं? क्या आप ये समझते हैं कि शनिदेव इन 7.5 साल के बाद में चले जाएंगे कहीं और, या आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं? क्यों परेशान होना है उसके पीछे कभी सोचा है आपने? सबसे ज्यादा शनिदेव उसको कष्ट देते हैं जो चोरी करता है। अब आप कहेंगे हमने तो कोई चोरी नहीं करी। चोरी कई चीजों की हो सकती है, धन की हो सकती है, किसी के विश्वास की चोरी हो सकती है, किसी के चरित्र की चोरी हो सकती है। आपने जाने अनजाने में कई बार ऐसे सोचा होगा कि कौन देख रहा है, हो जाता है। कई बार हम ऐसा कुछ काम करते हैं जिसे हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं उससे कुछ लोगों को नुकसान होगा, मगर अपने फायदे के लिए करते हैं और इतना धन एकत्रित कर लेते हैं कि दुनिया की सब सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, और हम फिर कहते हैं कि ये सब बकवास है, शनिदेव तो कुछ नहीं करते भाई, मुझे क्या किया उन्होंने। लेकिन जब आती है साढ़े साती, तब शनिदेव हिसाब लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं? देखिए, साढ़े साती आती है चंद्र में, यानी जब चंद्र से एक भाव पहले शनिदेव उस राशि में आते हैं तब साढ़े साती शुरू होती है। अब जब ये साढ़े साती शुरू होती है तो आपके मन पे एक यूं समझ लीजिए कि चक्की से चलने लग जाती है। आपको अपने चलते काम में ऐसा लगता है कि शायद अब इसमें कुछ मज़ा नहीं रहा है, या ये काम बंद होने वाला है। कोई जॉब कर रहे हैं उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा, कभी कुछ ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे ये काम बंद करके दूसरा काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव परिवर्तन भी देते हैं। उसके बाद में शनिदेव ढाई साल के बाद में चंद्रदेव के बिल्कुल ऊपर आते हैं, वो वाली राशि में आते हैं, चंद्रदेव वाली राशि में, और वो वक्त होता है जब आपको हर निर्णय लेना होता है अपने लिए। और यही ऐसा वक्त है जब आपको इस बात का भी ज्ञान होता है, क्योंकि इस ढाई सालों में, पिछले ढाई सालों में आपने इतना कुछ सह लिया होता है, इतने घर देख लिए होते हैं, इतने दोस्तों के पास चले गए होते हैं, इतने रिश्तेदारों के पास चले गए होते हैं, कि अब आपको ज्ञान होना शुरू कर हो जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। आप उसके बाद में ये जो ढाई साल हैं, इस ढाई साल में आप ये समझ लीजिए कि आपका मन एक मिक्सी के अंदर है, एक मिक्सर के अंदर है, और वो घुमाया जाया जा रहा है। आपको पागल नहीं किया जा रहा, आपको स्वच्छ किया जा रहा है, आपको एक रास्ते के लिए तैयार किया जा रहा है। संभल जाओगे, अपनी गलतियां स्वीकार कर लोगे, उनको ठीक कर लोगे, तो अगले ढाई साल में शनिदेव की कृपा भी होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप जिस लाइन में जाओगे, जो व्यापार आप चुनोगे, जो जगह आप चुनोगे जहां आपने काम करना है, उसके फल मिलने शुरू होने लग जाएंगे। ये अमूमन मैं यहां पर अधिकतर कह रहा हूं, अधिकतर शनि की साढ़े साती में लोगों के साथ ऐसा होता है।
शनि की साड़ी साथी में मैंने बहुत लोगों को करोड़पति अरबपति होते हुए देखा है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचते हुए देखा है। देखिए बात ऐसी है कि आप किसी मजदूर का दिल ना दुखाएं, अपने सबॉर्डिनेट्स की मदद करें, जितने भी नीचे के आपके कर्मचारी हैं आप उनका ध्यान रखें, शनि देव आपको कुछ नहीं कहेंगे। न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। आपने कुछ किया नहीं और शनि देव आपका बिगाड़ दें, ये कैसे हो सकता है? या तो मानना बंद कर दो कि वो न्याय के देवता हैं। जब वो न्याय के देवता हैं तो आपके साथ न्याय ही होगा। और आप अगर सदाचार अच्छे बने रहोगे, देखिए इस वक्त में चमड़े के लिए भी मना करा जाता है, चमड़ा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं या शराब पीते हैं, देखिए शराब पीते हैं तो शराब जो है वो आपके मन को भटकाती है, और जो नॉनवेज आप खाते हैं या कोई चमड़े की वस्तु आप इस्तेमाल करते हो तो आप समझ लीजिए किसी को मार के ही आती है ना वो। आप किसी को मार के खा रहे हो या आप कोई ऐसी बेल्ट, ऐसा पर्स, ऐसा चमड़ा पहन रहे हो जो किसी का वध करके, किसी जीवन का अंत करके आपकी शोभा बढ़ा रहा है, तो क्या आप समझते हो कि शनिदेव इससे खुश हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। इसलिए शनिदेव से भय खाने की बजाय अपने आप को बदलो, अपने मन को स्थिर करो, लोगों की मदद करो, अपने से छोटे मजदूर जो मेहनत करते हैं। एक भिखारी की लाइन देख ली और वहां पर आपने सैकड़ों रुपए लुटा दिए, ये मैं परोपकार नहीं मानता हूं। मैं परोपकार उस चीज को मानता हूं कि एक मजदूर गर्मी में अपने बच्चों को सड़क पर लिटा देता है, सामान पर लिटा देता है और कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ना जाने कितना बोझा उठाकर ऊपर ले जाता है और हम उसे दुत्कार देते हैं। उसकी कोई बिगड़े काम है वो बनाओ, उसको खाने के लिए कुछ दो, उसके भोजन का प्रबंध करो, उसकी सुख सुविधाओं का प्रबंध करो। ऐसे ही बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटे 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 निम्न स्तर के, जिसको लोग मानते हैं काम, काम कोई निम्न स्तर का नहीं होता, लेकिन जहां बहुत मेहनत लग रही होती है ऐसे लोगों की मदद कीजिए। आप इन लोगों की मदद करेंगे समाज भी अच्छा होगा, हमारा देश भी तरक्की करेगा और शनिदेव आपको आशीर्वाद ही देंगे। मैं इस बात की हजारों बार, इस चीज़ की मेरे पास केसेस हैं, ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है जिन्होंने अपना आचरण बदल दिया। हम शनिदेव के पास जाते हैं, शनिदेव से माफ़ी मांगी अपनी गलतियों की, उनके दरबार में जाकर नमन होकर सच्चे दिल से उनकी माफ़ी मांगी है, उनसे आपने अपने जितने भी किए हुए कृत्य हैं जो गलत हैं और आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपने ये गलत किया हुआ है, आप उसकी माफ़ी मांगी है। और जो भी छोटे 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 काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनका ख्याल कीजिए। देखिए आपकी साढ़े साथी भी अच्छी हो जाएगी, आज ही शुरू कर दीजिए। अगर आपकी साढ़े साथी नहीं है तब भी अपने को बदल लीजिए, ये बदलेंगे शनि कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल भय खाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक देवता हैं, आपको बहुत कुछ देंगे, इतना देंगे कि आप गिन नहीं पाओगे, करके देखिए।